राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। बड़ी हिम्मत के साथ आज वीडियो शेयर करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर कुछ भी गलत लगे आपको तो क्षमा करना। अच्छी खासी ज़िंदगी चल रही थी, हंसते मुस्कुराते। दुख क्या होता है पता ही नहीं था। और आज दुख का पहाड़ क्या होता है अच्छी तरह समझ आ गया। ईश्वर करे कभी किसी को एहसास भी ना हो कि ये दुख क्या होता है। मुझे कभी ऐसा महसूस ही नहीं हुआ कि एक हंसता हुआ चेहरा, एकदम हस्तपुष्ट, जो हमेशा अच्छी बातें करता था, मेरा अकेला भाई, मेरा बड़ा भाई, उसे एक साल बड़ा था, 2021 में बाई कह देगा। सभी हैं, सभी दोस्त हैं, सभी भाई बहन आते हैं, सब आते हैं, बस एक उसकी आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती, सिर्फ एक उसकी आवाज़ बस कानों में गूंजती है। मेरा भाई मेरी पावर था। जब भी कुछ भी मैं थोड़ा सा भी सैड होती थी तो उसका फ़ोन आता था या वो खुद आता था, बोलता था, गौरी क्या बात है, कोई प्रॉब्लम? तो मैं कहती नहीं, जैसे मैं कहती नहीं, मूर्ख हो तो थोड़ा स्ट्रांग बनो। फिर इतना समझाता, पता नहीं उसको कैसे पता चल जाता था, बहुत प्यार करता था, बहुत। मेरी आज वो पावर कहाँ चली गई? मेरी ही नहीं, पूरी फैमिली की वो पावर था। आज भी उसकी फ़ोटो देखती हूँ तो मुस्कुरा के कहता है, तुम समझ नहीं पाए मैं क्या हूँ। खैर, मैं किसी के साथ अपना दुख शेयर नहीं करना चाहती। हमेशा मेरा मन है कि आप अपनी खुशी शेयर करें, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं वीडियो पे शेयर कर रही हूँ। बट ब्लॉग शेयर करती हूँ तो ऑनेस्टली कुछ थोड़ा बहुत तो आपको पता ही होना चाहिए कि हमारे साथ क्या हुआ इन दिनों, तो थोड़ा सा मैं शेयर कर दी। और आप लोगों से प्रार्थना है कि मेरे भाई के लिए एक मिनट ज़रूर प्रार्थना करें कि उसकी आत्मा को शांति मिले। वैसे मुझे पूरा विश्वास है कि वो परमात्मा में लीन हो गया, इतना महान व्यक्ति था, मैं वर्ड्स में नहीं बता सकती। कभी मौका मिलेगा तो मैं उसकी बातें बताऊंगी आपको। और आज मेरा गजलक्ष्मी जी का उद्यापन भी है, तो मूर्ति लाई हूँ, उसे पेंट करूँगी, आगे पूजा करूँगी, फिर वो दूसरा वीडियो आपके साथ शेयर करती हूँ। मिलती हूँ आपसे बाद में। राधे राधे।